उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार 19 जुलाई तक नामांकन कर सकते हैं। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 जुलाई नाम वापसी की अंतिम तारीख है। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को मतदान होगा। नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक की ओर से लोकसभा महासचिव और उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को उनके कार्यालय कमरा संख्या 18 भूतल संसद भवन नई दिल्ली में 19 जुलाई 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जमा कराया जा सकता है। अपरिहार्य रूप से उनकी अनुपस्थिति में नामांकन पत्र सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के पास जमा कराया जा सकेगा। लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी और लोकसभा सचिवालय में निदेशक राजू श्रीवास्तव सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं। नामांकन पत्र के साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए, जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार 15,000 रुपए की राशि रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद जमा कराएगा। उम्मीदवार चाहे तो 15,000 रुपए की राशि भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी कोष में जमा करके उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे कमरा संख्या 62 प्रथम तल संसद भवन नई दिल्ली में की जाएगी। नाम वापस लेने की सूचना 22 जुलाई 2022 को दोपहर 3 बजे से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को उनके कार्यालय में दी जा सकती है। निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान शनिवार 6 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच नियमों के तहत निर्धारित मतदान स्थल पर होगा।